नमस्कार दर्शकों, मैं अमित ठाकुर दिव्य हिमाचल न्यूज मीडिया से आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस टाइम हम पहुंच मौजूद हैं सनवारा टोल प्लाजा पे, जो धर्मपुर से कुछ किलोमीटर पीछे है और परवानू से तकरीबन 20-22 किलोमीटर आगे है। यहाँ पे अभी हाल ही में एक गोलीकांड हुआ है दर्शकों, और गोलीकांड है यहाँ पे। कुछ जो बाहर के युवक थे उन्होंने यहाँ पे जो है फायरिंग की, टोल कर्मी के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की गई। पुलिस प्रशासन जो है यहीं पर ही मौके पे मौजूद है, जो कि यहाँ पे चेक कर रहा है, देख रहा है। तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। आप बताएंगे क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? लड़ाई का बता रहे थे। लड़ाई कैसे हुई थी बताएंगे थोड़ा सा, क्या बात हुई थी? तो अभी पुलिस जांच कर रही है, कुछ कहने से अभी बच रही है। लेकिन यहाँ पे जो ये गोलीकांड हुआ है, ये बहुत बड़ा कांड हुआ, जहाँ बताया जा रही तकरीबन कितने फायर किए हैं इन्होंने। सर, ये जो लड़के हैं ये कहाँ के हैं? नहीं, हमें नहीं नॉलेज, मैं थाने से। फिर भी कितने कितने यहाँ पे फायर कितने किए, वो तो जानकारी होगी आपके पास? मैं अभी थाने से आया हूँ ना, मैं हम यहाँ प्रेजेंट नहीं थे। ओके, चलो देख सकते हैं। यहाँ पे पुलिस अभी अपनी जांच कर रही है, यहाँ पे मौके पे मौजूद है। और जो दो लोग बताए जा रहे हैं जो दूसरे राज्य से, चंडीगढ़ से जो है शिमला की ओर जा रहे थे, और टोल कर्मी से शायद कुछ कहा सुनी हुई है और उसने उन्होंने वहाँ पे फायर किया है। अभी पुलिस ने उन्होंने धर्मपुर थाना में डिटेन किया है, उनको लेके गए हैं, और पुलिस जो है मौके पर यहाँ पे छानबीन कर रही है। आप देख सकते हैं पुलिस कर्मी जो है यहाँ पे जांच कर रहे हैं। हो सकता है ये जो गोलियां चली थी, गोलियों के जो खोखे हैं उनको ढूंढ रही हैं। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ परवानू से ये कुछ ही दूरी पर है, और यहाँ पे ऐसे जो वारदातें हैं इससे पहले भी कई हो चुकी हैं। और ये जो सनवारा टोल प्लाजा है ये बहुत सुर्खियों में रहता है। कभी यहाँ पे जाम की स्थिति होती है, कभी यहाँ पे फायरिंग हो जाती है, कभी यहाँ पे कुछ आते हैं। आप देख सकते हैं लाइव में, आपको दिव्य हिमाचल टीवी न्यूज के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पे मौजूद है, मौके पर मौजूद है, जो यहाँ पे छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। और जो लोग संदिग्ध हैं, जो चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जा रहे थे, उनको जो है पुलिस ने यहाँ पे हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। टोल कर्मी के ऊपर फायर करने की कोशिश की गई थी, बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे फायरिंग हुई है। लेकिन अभी असल में क्या बात है वो हमें पुलिस प्रशासन से ही, पुलिस के द्वारा ही पता चल पाएगा। आप देख सकते हैं पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद हैं, और आज वैसे भी शनिवार का दिन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाम की स्थिति है। वीकेंड के टाइम पे जो है दूसरे राज्यों से जो है सैलानी हिमाचल की ओर आते हैं, शिमला की ओर आते हैं, और हिमाचल के लोग कहते हैं अतिथि देवो भव। और अतिथि देवो भव का ये मतलब नहीं कि आप हिमाचल के जो एंट्री करते हो टोल पर आप जो है फायरिंग कर दें, गोलियां चला दें। जो यहाँ पे नियम कायदे कानून है वो तो हर एक को मानने पड़ेंगे, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे वो किसी दूसरे राज्य से आ रहा हो या किसी दूसरे देश से आ रहा हो। आप देख सकते हैं इस तरह की जो घटना है यहाँ पे इनसे पहले भी हुई है। पुलिस यहाँ पे जांच कर रही है, छानबीन कर रही है, पूछा जा रहा है, बात की जा रही है। ये टोल प्लाजा जिसकी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सनवारा टोल प्लाजा है, धर्मपुर से कुछ ही दूरी पर है, जावली से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, और परवानू से ये कम से कम 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है। दर्शकों, इससे आगे की जो जानकारी है हम अभी थोड़ी देर में आपसे फिर रूबरू होंगे, लाइव होंगे। इसमें हम पुलिस प्रशासन से भी, जो उनके अधिकारी हैं, जो बयान देने के लिए यहाँ पे जिनको ऑथराइज किया गया है, उनसे पूछेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, क्या वारदात हुई है। धन्यवाद।